मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोटा में कोविड-19 महामारी से संक्रमित मरीजों की देखभाल में तैनात डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के समस्त स्टाफ की प्रशंसा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी कोरोना योद्धाओं को व्यक्तिगत पत्र भेजकर सेवाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। ये जानकारी डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल चौहान ने दी है। डॉक्टर अनिल चौहान ने बताया कि 11 अप्रैल 2020 से विभिन्न बैच में मेडिकल कॉलेज का स्टाफ सेकेंडरी आइसोलेशन सुविधा स्थल RCH भोटा में कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के उपचार में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री ने वहां तैनात चिकित्सकों, सहायक स्टाफ सहित सफाई कर्मचारियों व अन्य श्रेणियों कर्मचारियों को व्यक्तिगत पत्र लिखकर सेवाओं की सराहना की है, जिससे स्टाफ में काफी उत्साह भर गया है। हाँ जी, ऐसा है, अभी हमें जो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं श्री जयराम जी ठाकुर, उन्होंने एक प्रशंसनीय पत्र हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स को दिया है, जिन लोगों ने होटल में कोविड-19 हॉस्पिटल जो हमारा सेकेंडरी आइसोलेशन सेंटर है वहाँ पर जिन लोगों ने सेवाएं दी हैं उनको एक प्रशंसनीय पत्र जो है सभी को हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिला है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमारे जो स्टाफ है उनका मनोबल बढ़ता है। और आप देखिए, इस बीमारी के लिए हमारे जो जितने भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, सफाई कर्मचारी, अपने सिक्योरिटी स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, स्टाफ नर्सेज, डॉक्टर्स, ये सब एक बिना निसंकोच और बिना डर के इन लोगों की देखभाल कर रहे हैं भोटा में। और इस जो हम लोग जो सेवाएं दे रहे हैं उसके लिए सरकार ने हमारे को एक प्रोत्साहन के रूप में हर स्वास्थ्यकर्ता को एक सर्टिफिकेट दिया है। ये बहुत अच्छी और बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। डॉक्टर अनिल चौहान ने समस्त स्टाफ की ओर से मुख्यमंत्री का इस उत्साह वर्धन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ का समर्पित स्टाफ कोविड-19 रोगियों के उपचार में अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवाएं देने के लिए तत्पर है। वहीं अनिल चौहान ने बताया कि हमीरपुर में कोविड-19 के मरीज ठीक होकर भी घर जा रहे हैं। अब 74 कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं और 114 मरीजों की कुल संख्या हो गई है, जिसमें से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। हमारे पास भोटा में अभी तक 38 पेशेंट आए हैं और आज की डेट में हमारे पास वहाँ पर 13 पेशेंट हैं, बाकी सब ठीक होके चले गए हैं। जब शुरुआत हुई थी 11 अप्रैल को तो ऊना से पेशेंट आए थे, 4 पेशेंट ऊना के थे, 2 हमीरपुर के थे। धीरे धीरे ये बढ़ते हुए, क्योंकि जब से लॉकडाउन खुला है बाहर से जो लोग आए हैं वो वैसे दिल्ली से, जहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा एक तरह से कम्युनिटी ट्रांसमिशन जिन स्टेट्स में हो चुका है वहाँ से लोग आ रहे हैं, तो जब उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, टेस्ट किए जा रहे हैं, तो पता लग रहा है काफ़ी लोग पॉजिटिव हैं। तो उनको फिर कुछ लोगों को सिम्टम्स हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बुखार है, कुछ लोगों को खांसी जुकाम भी है हल्का फुल्का, और उनको प्रॉपर तरीके से सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई हुई हैं, पहले तो उनको कोविड सेंटर में रखा जाता है, ये केयर सेंटर में, DCCB डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर। उसके बाद उस जिनको जिन लोगों को सिम्टम्स होते हैं, थोड़े ज़्यादा होते हैं, हाई ग्रेड फीवर है, खांसी है, जुकाम है, उनको सेकेंडरी आइसोलेशन जिसको बोलते हैं, डेजिग्नेटेड कोविड हेल्थ सेंटर भोटा में भेजा जाता है। अगर हमारे को भोटा में लगता है कि भाई कोई किसी की पैरामीटर्स जो हैं ज़्यादा ही खराब होने को जा रहे हैं तो उनको हम गाइडलाइंस के हिसाब से नेरचौक रेफर करते हैं। तो अभी तक हम नेरचौक भी तीन पेशेंट्स रेफर कर चुके हैं नेरचौक,